हाय गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही यूनिक चीज ट्राई करने वाली हूँ। आप लोगों ने मिक्स वेज तो बहुत खाया होगा और सबका फेवरेट भी होता है, मेरा भी फेवरेट है मिक्स वेज, क्योंकि उसमें बहुत सारा वेजेस मतलब बहुत सारे सब्जी आपको एक ही सिंगल सब्जी में मिल जाता है, बहुत सारे वेराइटीज उसमें होता है और वो काफी अच्छा टेस्ट करता है। बट क्या आपने कभी मिक्स नॉन वेज खाया है? आई नो कि किसी ने नहीं खाया होगा, बट मैं आज आप लोग को बताती हूँ। आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं फिश, एग एंड चिकन, तीन कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, वो भी मिक्स। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं और मैं ऑनेस्टली आप लोग को बताऊंगी कि कैसा उसका टेस्ट रहता है। तीनों को मिक्स करके यदि बनाया जाए तो कैसा टेस्ट और कैसा कॉम्बिनेशन रहेगा, क्योंकि मिक्स वेज का तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, तो मिक्स नॉन वेज का कॉम्बिनेशन भी आज देख लीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत बकवास कर लिए, एंड कैसे बनाते हैं वो पहले देख लेंगे, उसके बाद टेस्टिंग का बात आएगा। तो थोड़ा सा अलग कॉम्बिनेशन बनाने का और कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोचे थे, इसलिए थोड़ा सा अलग किए हैं। एंड वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और भी नया इंटरेस्टिंग कुछ आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि और मैं क्या कॉम्बिनेशन करके कुछ रेसिपी बनाऊं, क्योंकि ये सब करना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। एंड चलिए बहुत हो गया, रेसिपी को स्टार्ट कर। सो आज मिक्स नॉनवेज में हम लोग बनाने जा रहे हैं फिश, चिकन एंड एग, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैंने फिश में हल्दी और नमक डालकर रख दिया है 10 मिनट के लिए, एंड उसके बाद ये है हमारा बॉयल एग एंड ये हमारा चिकन। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे एंड फिश को फ्राई करेंगे। फिश फ्राई जब हो जाएगा तो हम लोग उसके बाद उसी ऑयल में एग को भी फ्राई कर लेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग चिकन बनाएंगे एंड उसके ग्रेवी एंड एग को पकाने वाले हैं। गाइस, तो आज मैं फर्स्ट टाइम अकेले मछली खरीदने गई थी और मुझे मछली का कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा मछली किसको बोलते हैं, तो मैं लाने गई थी कतला मछली और मुझे मिल गया है कोई और मछली, और कॉस्ट मुझे ज़्यादा ले लिया, मुझसे ले लिया गया ज़्यादा कॉस्ट। इसका कितना कॉस्ट होना चाहिए था बाबा? 160 रुपये के जी होना चाहिए था और मुझसे लिया गया 210 रुपया। एंड मैंने कतला मछली मांगा था और मुझे दे दिए है भैया जासर मछली, मेरे साथ स्कैम हो गया, इसलिए सब लोग आइंदा से पहचान करके मछली लाने जाइएगा। इसीलिए मैं कभी भी नॉनवेज लेने नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है उसके बारे में, तो सब लोग मुझे ठग लेते हैं। दुकान वाले भैया सोचेंगे ऐसे पागल लोग दे आने चाहिए तो मेरा तो अच्छा सा प्रॉफिट होने वाला है। कोई नहीं, चलिए आज इसी में एडजस्ट करके यही खा लिया जाएगा, इसमें काटा नहीं होता है और इसीलिए ये हम लोग को ढक के बनाना पड़ा। मुझे पापा अभी बताया कि ऐसा तुम ले आई उल्टा पुल्टा मछली। फ्राई हो चुका है, देखिए ऑयल जितना हम लोग डाले थे उससे ज़्यादा हो गया, ये मछली का फायदा। अब हम लोग फ्राई करेंगे एक, उसको भी ढक के ही फ्राई करना होगा। तो गाइस, अभी हम लोग चिकन को मैरिनेट करेंगे, हम लोग का एग यहाँ पे फ्राई हो रहा है तब तक चिकन का काम कर लेते हैं। तो इसमें पापा काट रहे हैं, सॉरी तोड़ के डाल रहे हैं 3-4 हरी मिर्च, एंड इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं अनियंस, तो कितना चिकन है पापा आज? 1 केजी 1 केजी चिकन है और प्याज 1/2 केजी 1/2 केजी तो उसके अकॉर्डिंग आपका जितना भी चिकन होगा प्याज ले लीजिएगा। एंड इसको मिक्स करना है, तो आज भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में ही चिकन बनने वाला है। हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं हल्दी पाउडर, इसको भी मिक्स कर लेना है, तो नमक स्वाद अनुसार, पांच छोटा चम्मच है, उनका चम्मच बहुत छोटा है, बट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। नमक पाउडर डाल दिए, मतलब आपको सारा मसाला को कच्चा में ही मिक्स करना है ना पापा? तो सारे मसाले जो भी आप डालना चाहते हो उसको कच्चा में ही मिक्स करना है। तो हम लोग मिर्च पाउडर भी डाल दिए हैं 2 चम्मच, जितना तीखा रखना है ना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पे 2 चम्मच यूज कर रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें डालने वाले हैं धनिया पाउडर,
ले रहे हैं 2 बड़ा चम्मच धनिया, नहीं धनिया पाउडर, यस धनिया पाउडर। एंड इसमें और क्या ऐड करेंगे? जिंजर गार्लिक पेस्ट। देखिए मेरी ब्राउन, वेट करिए, क्या खाना है तुमको? मछली, चिकन की, अंडा? तो यहाँ पे हम लोग का एक भी फ्राई हो चुका है, निकाल रहे हम लोग। ओहो टेस्टी टेस्टी एग रेडी हो गया। अच्छा ऐसा फ्राई एग किसको पसंद है? तो गाइस हम लोग का तेल यहाँ है, इतना बचा हुआ, बट थोड़ा सा तेल और चाहिए, ये काफी तेल होगा। इस सोते हुए बच्चे को उठाने का एक निंजा टेक्निक है, आप एक पीस चिकन या मछली कुछ भी अपने हाथ में ले लीजिए, सोता हुआ बच्चा जाग जाएगा। यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें डालने वाले हैं 2 तेज का पत्ता, फोरन है, मिक्सर। हम लोग डालने वाले हैं इसमें अदरक कूटा हुआ है, एंड यहाँ पे है लहसुन छिला हुआ, डाल रहे हैं हम लोग का चिकन का मिक्सचर, जिसमें हम लोगों ने प्याज वगैरह सारा मिक्स किया था वो डाल रहे हैं, और उसको अच्छे से भूनना फ्राई करना है। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं टमाटर, मतलब आपको बेसिकली यही करना है कि सारा मसाला, सारा जो भी आपको चिकन में ऐड करना है उसको फ्राई करते टाइम ही सब कुछ ऐड करना है, और इसको ढक ढक के पकाना है। इससे हम लोग का चिकन मसाला एंड प्याज सब कुछ अच्छे से फ्राई हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आपका चिकन बनने वाला है। यहाँ पर हम लोग 3 टमाटर का यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 2 भी रख सकते हैं, और इसको ढक करके फ्राई करने वाले हैं 10 मिनट तक। हमारा चिकन देख सकते हैं आधा पक चुका है, एंड अभी और पकना बाकी है। कितना अच्छा कलर आ गया है ना, एंड ऑलमोस्ट पक गया है। अभी तो इसमें हम लोग ने चिकन मसाला भी ऐड नहीं किया, फिर भी इतना खूबसूरत लग रहा है। गाइस अब बारी है चिकन में चिकन मसाला डालने की, और इसका टेस्ट को और इनहेंस करने की। तो यहाँ पे डला रहा है चिकन मसाला, पीछे जो हांडी दिख रहा है उसमें हम लोगों ने हांडी चिकन बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का मिला था, तो गो एंड चेकआउट, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। है गोलकी जीरा पाउडर, जीरा का पाउडर भी डला गया है, इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना होगा। क्या लग रहा है? टेस्टी लग रहा है ना? तो यहाँ पे हम लोग अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ऐसे ही अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा, देन उसके बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। एंड आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, आपको ड्राई खाने का मन है तो। ये अच्छे से चिकन पक चुका है, तो मैं ट्राई तो ज़रूर करूँगी एक पीस को। देखिए यहाँ पे कौन आया है, कौन बच्चा है, सीधा साधा बच्चा, ओए टेस्टिंग की। और ये अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं आप लोग, नमक तीखा हम लोग टेस्ट करेंगे, और आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, ये ड्राई हो गया। एंड आपको ग्रेवी वाला खाना है तो इसमें पानी डाल के ग्रेवी बनाना होगा, तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। काफी अच्छा पिज़्ज़ा है, नमक तीखा ठीक है, बेस्ट मस्त है। रुको ब्राउन गरम है, ब्राउन गरम कैसा टेस्ट है बताओ ब्राउन, टेस्टी है बता रही है ब्राउन, टेस्टी है ब्राउन में भी हाँ बोल दिया है, तो काफ़ी गर्म है, बहुत टेस्टी है। तो आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, बट हम लोग चावल के साथ खाने वाले हैं आज, तो इसलिए हम लोग इसमें ग्रेवी बनाने वाले हैं, तो पापा भी इसमें फिर 2 मिनट और फ्राई करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। सो हम लोग का मिक्स नॉन वेज रेडी हो चुका है, तो अब टेस्टिंग की बात है, तो चलिए हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कि कैसा है, क्या इसे खाया जा सकता है और कैसा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अलग अलग तो सबको बहुत पसंद होता है, तो मिक्स में कैसा कॉम्बिनेशन लगता है, टेस्ट कैसा रहता है, सब कुछ कैसा लगता है, तो चलिए टेस्ट करते हैं। आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ, तो लेट नहीं करते, टेस्ट करते हैं। तो बताइए कॉम्बिनेशन मिक्स वेज मिक्स नॉन वेज का कैसा लग रहा है? तो पापा को तो काफ़ी टेस्टी लगा है, एंड भाई भी बताएगा, तो वो भी टेस्ट करने जा रहा है, एंड देख सकते हैं कितना यम्मी लग रहा है एक ही में सब कुछ को मिक्स करना, कैसा लगा? एक नंबर। तो गाइस आप लोग प्लीज ट्राई कीजिए। तो गाइस ये ऑनेस्ट रिव्यू है, सच
गाइस हमारा मिक्स नॉनवेज रेडी हो चुका है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। और मतलब काफी यम्मी लग रहा है देखने में। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिश है, ये हमारा एग एंड ये हमारा चिकन लेग पीस। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने, थोड़ा सा अलग यूनिक चीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी इसलिए। एंड और भी कोई सजेशन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। एंड ये पहले चिकन काफी परफेक्ट पका हुआ है। एंड नेक्स्ट बारी है फिश का। OMG कितना स्मूथ है, मतलब बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। माइंड ब्लोइंग। एक भी बहुत अच्छे से परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, सबका ग्रेवी के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तो पास हो गया है। नेक्स्ट और भी एक्सपेरिमेंट मैं करने वाली हूँ, और भी अलग यूनिक चीज का कॉम्बिनेशन मैं बनाने वाली हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। एंड कोई भी लास्ट में मैं फिर कहना चाहती हूँ कि कोई भी सजेशन हो तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, और अभी मैं ये सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, सब लोग मिलकर खाएंगे क्योंकि बहुत 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 ज्यादा टेस्टी बना है ये, सच में मैं बता रही हूँ, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।